सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपका एमएससी जूलॉजी प्रीवियस ईयर का जो पेपर नंबर आपका सेकंड है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन क्वेश्चन को अपन वन बाई वन डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि लास्ट 2 साल से अपन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑलमोस्ट अपन यहाँ जो क्वेश्चन बात करते हैं वही आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस बार भी वही उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करेंगे यही क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसके आपको कंप्लीट नोट्स एंड वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए अपन वन बाय वन सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस पे आपको 100% बिल्कुल भी मतलब डिपेंड नहीं रहना। हर बार मैं यही कहता हूँ कि 100% पे डिपेंड रहे, आप अपनी तरफ से पढ़िए, लेकिन इनको एक्स्ट्रा में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि क्या होगा, अभी तक मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ये चीज पढ़ लेते हैं अपन पास हो जाओगे, इनको पढ़ोगे तो पास 100% हो जाओगे, ये अपनी गारंटी है। ओके, अब बात आ गई कि इनको पढ़ लिया। अब जिन्होंने अभी तक मान लीजिए सब कुछ पढ़ लिया, एकदम तैयार है, तो वो क्या इन क्वेश्चन को देखेंगे तो उनमें से क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तक मान लीजिए आपके माइंड से स्किप हो गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको यहां मिल जाएंगे। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपने भी अपनी ओर से इंपॉर्टेंट लगा रखा है, मैंने भी यहां बता दिया, तो क्रॉस चेक हो गया कि हां भाई सर ने भी बताया, मैंने भी कर लिया, मतलब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे, इससे क्या होंगे आपके मार्क्स होंगे वो भी अच्छे आएंगे, मार्क्स जो बूस्ट होंगे वो भी अच्छे से होंगे। तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आप सबको पता है जूलॉजी का सबसे मेन पॉइंट है सबसे ज्यादा इसके अंदर शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को देख लेते हैं शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट के अंदर आपको सबसे पहले देखना है जो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होती है, किस किस में, पॉलीकिटा के अंदर एंड इकाइनोडर्मिट्स, इन दोनों को एकदम डिटेल के अंदर पढ़ना है। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ना है, किसके अंदर, मोलस्का के अंदर भी देख लेना है, लेकिन आपको पॉलीकिटा एंड इकाइनोडर्मेटा को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट बात करें तो आपको रिस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा जो एसिलोमेट्स क्या होते हैं एंड आपके जो सिलोमेट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। साथ में थोड़ा सा सिलोमेट्स है उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सिलोमेट, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट, तीनों के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस आपको बताना है, तो ये क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको बता रहे हैं कि वॉटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, जैसे साइकन आ गया, साइकन वॉटर कैनाल सिस्टम आ गया, ल्यूकोन वॉटर कैनाल सिस्टम आ गया, ये सारे के सारे आपको क्या है अच्छे से पढ़ने हैं। तो मेन आपको वॉटर कैनाल सिस्टम है, इसको डिटेल के अंदर देख लेना है। फिर जो मेल पिगिन ट्यूब क्या होती है एंड ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। इसके अलावा जो न्यूरल ट्रेंड है, इवोल्यूशन ट्रेंड है, इसको आपको अच्छे से डिटेल के अंदर क्या है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट तैयार करना है। इसके अलावा आपको लार्वल फॉर्म के अंदर आपको जो जोइया लार्वा है एंड आपका ग्लोसीडियम लार्वा है, इन दोनों लार्वा को अच्छे से थोड़ा सा डिटेल के अंदर आपको क्या है एक्सप्लेन करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ये तो आपके शॉर्ट नोट वाले आगे। अब अपन लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे, एक दो बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो क्वेश्चंस कौन से आते हैं, क्योंकि फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें यदि अपन बात करें तो आपका जो फ्लेजिलरी मूवमेंट है, किसके अंदर, आपके प्रोटोजोवा के अंदर जो फ्लेजिलरी मूवमेंट है, इसको आपको डिटेल में देख लेना है। अदरवाइज आप सीलरी मूवमेंट है इसको भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है वो 100% आपके एग्जाम के अंदर आता है, चाहे वो हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट हो या फ्लेजिलरी हो सीलरी, ये तीन ही आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों को अच्छे से देख लेना है। तो फ्लेजिलरी में अब आपको प्रोटोजोवा के अंदर देख लेना है। इसके अलावा आपका हाइड्रोस्टेटिक जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट या लोकोमोशन दोनों एक ही बात होती है, वो आपको किसमें देखना है, एनलिडा। एनलिडा का एग्जांपल क्या आ गया, आपका लीच। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, एनलिडा की जगह आपको लीच भी दे सकता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपका लार्वल फॉर्म आपको बतानी है, किसके अंदर, पैरासाइट्स की कौन कौन सी लार्वल फॉर्म होती है, उन सबको आपको डिटेल के अंदर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको प्राइमेटिव जो नर्वस सिस्टम होता है, किस किस के अंदर, आपका सिलेंट्रेटा के अंदर एंड इकाइनोडर्मिट्स, इन दोनों के अंदर आपको अच्छे से देख लेना है, इनका जो न्यूरल सिस्टम होता है उसको अच्छे से देख लेना है, नर्वस सिस्टम को अच्छे से देख लेना है। फिर अपन बात करें तो आपको कुछ सिग्निफिकेंस बताने हैं, किस किस के अंदर, आपके टीनोफोरा के अंदर एंड आपका राइनोकोक्लिया के अंदर आपको क्या करना है, इनके ऊपर थोड़ा सा आपको डिटेल के अंदर इनका सिग्निफिकेंस बताने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बात हो गई, एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, पास आप जरूर हो जाओगे। एंड इसके जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपको मिल जाएंगे, आपकी जो जो आप इस चैनल पे हैं, इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। साथ में इनके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट पेपर की अपन ने बात कर ली थी, ये अपना सेकंड पेपर है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेपर, अपना जो थर्ड पेपर है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।